सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पहले फेज में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन मिलेगी, हरियाणा के करनाल से कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि पहले फेज में हिमाचल को 93,000 डोज उपलब्ध होंगे, इसके लिए 386 कोल्ड चेन सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 36 सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। पहले चरण में केवल फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। फ्रंटलाइन वॉरियर को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां और इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। देखिए, आज एक तो बहुत महत्वपूर्ण हमारा रिव्यू था, वो रिव्यू था हमारे मुख्यमंत्री सेवा संकल्प यानी कि सीएम हेल्पलाइन का था, और वो हमने आज किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बेहतर ढंग से सीएम हेल्पलाइन का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बड़े स्तर पर जो है सफल हुए हैं। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए जहां बार बार ऑफिस में जाना पड़ता था, बार बार शहर में जाना पड़ता था, घर बैठे अपने समस्या का समाधान करने के लिए वो 1100 पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करते हैं और उनकी समस्या का समाधान उस दृष्टि से होता है। उसका रिव्यू किया, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक के रूप में और सुझाव के रूप में भी बातें सभी जो आई है वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। दूसरे आज दो विषयों पर, एक तो कोविड की सारी सिचुएशन, उस पर पर्टिकुलरली जो 16 तारीख से वैक्सीन शुरू हो रही है पूरे हमारे देश में और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है, उस दृष्टि से हमारी तैयारियां डिप्टी कमिश्नर के साथ डिटेल में डिस्कशन के बाद, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सारी विस्तार से प्रेजेंटेशन हुई है, प्रेजेंटेशन के बाद सारी टेक्निकल चीज़ों को लेकर के उसमें बताया गया है, वही बातों को लेकर के आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर तक नीचे तक पहुँचाया गया ताकि प्रभावी ढंग से ये सारा काम हमारा शुरू हो सके। और मुझे इस बात को लेकर के जो आपको जो जानकारी देनी है, हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन आ रही है इस फर्स्ट फेज के, उसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से आ रही है और 93,000 डोजेज उसमें होंगी, कोविशील्ड के नाम से होगी है, और उसमें 386 जो है हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स जो बने हैं हिमाचल प्रदेश में वहां तक इसको पहुँचाएंगे। और अभी इसमें स्टेट लेवल का जो हमारा सेंटर है इसका वैक्सीन का, वो शिमला है, दो रीजनल मंडी और धर्मशाला है और वहाँ पर इसको पहुँचाने का इंतज़ाम करेंगे। और 46 सेशन जो है उसमें उसमें सेशन साइट्स जो है उसमें हमने प्लान की है। ये मोटी मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले और पूरे देश भर में ये तय किया है इस प्रोटोकॉल के तहत, तो फर्स्ट फेज में एक तो ये वैक्सीन जो आ रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। दूसरी बात, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरे, ये वैक्सीन जिनको पहले फेज में लगनी है उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको ये लगनी है, उस दृष्टि से हमारी तैयारियाँ पूरी तरह से हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वैक्सीन के आने के बाद जहाँ लोगों के इस लोगों का उत्साह जो है इस वायरस की डर के कारण जो है वो जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि परेशानी में लोग थे, तो उस उत्साह में जो है वो अब बढ़ोतरी होगी और उसके साथ में इसको रोकने में हम सफल होंगे। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत शार्प डिक्लाइन हमारे कोविड के नंबर्स पे आया है और डेथ में भी एक डेथ दो डेथ इस प्रकार से आ रही है। डेथ तो एक भी दुखद होती है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन काफ़ी कंट्रोल आया है और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में बहुत तेज़ी से हमारा ये नंबर ऐसे भी कम आ रहा है। और ख़ासतौर से ये वैक्सीन आने के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं, स्टेजेस में, फेजेस में मिलेंगे, क्योंकि उसकी उपलब्धता जिस प्रकार से हमको आती रहेगी उसी प्रकार से हम उसको प्लान करते रहेंगे। और इसके साथ आज हमने एक और भी विषय पर हमने डिप्टी कमिश्नर के साथ की, बर्ड फ्लू पर। उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 दिनों 4 दिनों से लगातार नंबर जो है उसमें भी कम होता जा रहा है। हम इसी बात को देख रहे हैं कि कहीं और जगह तो ये संक्रमण पक्षियों के माध्यम से तो नहीं पहुंचा, लेकिन अभी तक इस तरह की रिपोर्ट नहीं आई। अभी तक पौंग डैम के उस एरिया में
वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनमें भी आया, और उसके साथ लोकल जो वहाँ पर जो कौवे होते हैं, क्रो है, उसमें भी पाया गया है। इसमें तो सच्चाई है, लेकिन वहाँ हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो निर्णय लिए हैं उनको और ज़्यादा बेहतर ढंग से एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लागू करने के लिए जो चीज़ें तय की है, जो एपी सेंटर है 1 किलोमीटर का, उसमें तो किया ही है, लेकिन 10 किलोमीटर का सर्विलेंस एरिया जो जितना है उसको बेहतर ढंग से मैनेज, और उसमें कोई इस तरह का पक्षी ये जानवर ना जाए, आदमी ना जाए, वो सारी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कोशिश की। एक और निर्णय हमने उसमें लिया पिछले कर, उसमें यही निर्णय लिया कि 7 दिन तक जो बाहर से हमारे पोल्ट्री का जो ये आता है सप्लाई आती है, तो वो सप्लाई जो है उसको हमने कहा कि 7 डेज के लिए उसको रोक, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में रिस्ट्रिक्ट किया है, रोका है 7 डेज के लिए सिर्फ। पूरे राज्य में सर? पूरे पूरे राज्य में। पूरे सर जो पोल्ट्री के सैंपल लिए गए थे सोलन और कांगड़ा जिला के, क्या उसमें नहीं पाया गया वायरस? नहीं, पोल्ट्री के सैंपल में नहीं पाए गए। थैंक यू। थैंक यू।